ये सवाल हम खड़ा कर रहे हैं, और ये हम नहीं खड़ा कर रहे बल्कि कांग्रेस के अंदरूनी तौर पर जो नेता है उनके G23 के, वो नेता भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। कांग्रेस में तेज हो गई है अब स्थायी अध्यक्ष बनाने की मांग, जिसको लेकर हमेशा से नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी पार्टी के नेता है वो लगातार कह रहे हैं 2019 के बाद कांग्रेस ने अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना है, और सोनिया गांधी ही है जो कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लगातार कमान संभाले हुए हैं, जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। पिछले वर्षों में हमने देखा कि कांग्रेस 9 राज्यों में हारकर अब सिर्फ 2 राज्यों में आकर सिमट गई है, और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का करिश्मा कहें या सिक्का कहें नहीं चल पाया। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की पूरी तरह से सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प बनने का केजरीवाल ने दावा कर दिया है अब, और गुलाम नबी आजाद के घर पर जल्द ही G23 की आज जो सुबह बैठक हुई है उसके बाद कांग्रेस संगठन में जान फूंकने पर चर्चा भी हुई, और उसके बाद ही हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद का दिल रोया, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्यों G23 ने आज बुलाई मीटिंग, और कांग्रेस के नेतृत्व और स्थायी अध्यक्ष को लेकर बहस जो छिड़ गई है उसके बारे में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी। विनोद जी, जी बार बार दर्द छलक रहा है कांग्रेस के नेताओं का, लेकिन दर्द को कोई सुनने वाला ही नहीं है ऐसा लग रहा है। आपने बहुत बढ़िया कहा, और ये जो दर्द छलका है गुलाम नबी आजाद जिस तरह से कह रहे हैं वो डेफिनेटली ये है कि सीनियर लीडर्स जो है कांग्रेस के उनमें एक आत्मचिंतन और एक मंथन का दौर शुरू है। उनका यह दर्द जरूर है कि अगर हम उत्तराखंड और मणिपुर में, खास करके गोवा में, जहां हम रिपीट कर सकते थे, हम रिपीट करना तो छोड़ दीजिए, हम कहीं से वहां फाइट करने की स्थिति में भी नहीं थे। और सवाल ये है कि यही बात तो गुलाम नबी आज़ाद ने पूछा है कि भाई ये इसकी जिम्मेदारी किस पे होनी चाहिए, कौन ऐसे कांग्रेस के जो नेतृत्व है, क्या ये मौजूदा नेतृत्व ये सारे इस बड़े हार की जिम्मेदारी लेंगे। मनीष तिवारी ने तो साफ साफ पूछा, जो एक पत्रकार ने मनीष तिवारी को पूछा तो उन्होंने कहा राहुल गांधी को पूछिए। इसमें सीधे सीधी बात है कि ये जिम्मेदारी जो है कांग्रेस के नेतृत्व की बात है तो वो परिवार की है, और ये परिवार की है तो इस परिवार के नेतृत्व के लिए शशि थरूर ने ट्वीट किया। शशि थरूर ने कहा है कि भाई ये कांग्रेस संगठन में पूरा बदलाव होना चाहिए, न कि यहाँ CWC में। उसने तो मांग किया कि पूरे प्रदेश के संगठन में भारी बदलाव होना चाहिए, जो लोकल एस्पिरेशंस हैं, यूथ हैं, उनके एस्पिरेशंस को इसमें इंडिकेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस अब इस मूड में है, खास करके G23, कि कांग्रेस में एक बड़े बदलाव आए और कांग्रेस के संगठन इस जो पॉलिटिकल सिचुएशन बने हैं, जो केजरीवाल ने कहा है कि हम पूरे देश में अब कांग्रेस के विकल्प बन रहे हैं, उसके नैरेटिव्स के काट में कम से कम कांग्रेस लड़ते हुए दिखे। रीमा, विनोद, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा कल जब हम लोग देख रहे थे नतीजे आ रहे थे तो रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने ये बात बोली है कि जल्द ही CWC की बैठक बुलाकर आत्मचिंतन किया जाएगा, आत्ममंथन किया जाएगा और जिम्मेदारी तय करने की कोशिश होगी। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में कमान किसके हाथ थी? प्रियंका गांधी के। बाकी जगहों पर राहुल गांधी के। क्या कांग्रेस में इतनी हिम्मत है? ये सवाल हम बार बार खड़ा कर रहे हैं कि क्या हिम्मत है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए? किसी में हिम्मत है ये कहने की? तो आत्मचिंतन किस तरह से होगा? रीमा, ये आप अगर कहें तो G23 ने एक हिम्मत तो दिखाई है। अगर सोनिया गांधी की तरफ से CWC की मीटिंग की बात अगर सुरजेवाला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी तो क्यों आज G23 के सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, गुलाम नबी आजाद हों, चाहे मनीष तिवारी हों, कपिल सिब्बल हों, ये सारे लोग, अखिलेश सिंह हों, ये सारे कद्दावर लीडर हैं जो पूरे कांग्रेस में कम से कम 25-30 साल से अपनी सेवा देते रहे हैं, तो क्यों उन्होंने एक पैरेलल मीटिंग की है? उनको CWC के डिसिप्लिन को पता होगा शायद, और मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद तो अभी भी CWC के मीटिंग मेंबर हैं, तो उनको इंतजार करना चाहिए कि पार्टी आला कमान से जब कुछ इस तरह की मीटिंग की बात होगी या इस तरह की रिव्यू होगी या आत्मचिंतन की बात होगी तब वो सारी बातें रखेंगे। तो फिर मीडिया में ये सारी चीजें आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस के एक खेमा ने एक पूरी तरह से कांग्रेस के परिवार के पार्टी को एक तरह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बना के एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि आपने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उतारा और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से एक पिचिंग की और लगा कि प्रियंका गांधी का अपना एक अलग नेतृत्व का एक सिक्का चलेगा और यूपी में अगर उसको लोगों ने निकाल दिया है तो कांग्रेस में एक नए नेतृत्व की मांग की सवाल तो लगभग अब दांत ये साफ आम होने लगा है। रीमा,
नहीं विनोद, लेकिन एक बात और हम समझना यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि ये जिन G23 नेताओं के दिल से बार बार दर्द निकल रहा है, बार बार जो आवाज वो उठा रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व तो उनको एक तरीके से साइडलाइन किए हुए हैं, उनकी बात की कोई जवाबदेही तय करने की कोशिश नहीं है, ना ही उनको सुना जा रहा है, ना ही उनकी बात को एड्रेस किया जा रहा है। तो ये लोग तो अपना जो ग्रुप बना गए हैं, जिस तरह से कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी और तमाम जो लोग हैं वो पार्टी के अब वो धड़े बन चुके हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व अब किसी और के ही हाथों चल रहा है, कहीं और ही पार्टी जा रही है। तो ये दोनों के बीच जो क्लैश है वो सिर्फ मीडिया में ऐसा लगता है आ रहा है, लेकिन पार्टी में तो सुनवाई कहीं नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि आपने एक नेतृत्व और संगठन की बात दोनों चीजें इसमें उठाई है। देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व के सवाल के तरफ से जब कभी आपको गुलाम नबी आजाद या G23 के ऐसे बड़े नेताओं का कुछ रिएक्शन आता है तो पार्टी के फोरम से ऐसा कहा जाता है कि उनको राज्यसभा की सीटें नहीं मिली इसलिए बौखलाहट है। अब सवाल ये है कि पार्टी में अगर कोई सीनियर लीडर एक आत्मचिंतन की बात करते हैं और आप इसलिए उसको नकार देते हैं कि उनको राज्यसभा की सीटें नहीं मिली या टिकट नहीं दी गई है तो वो इसलिए इस तरह के विरोध कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात रही अपने संगठन की बात कही तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था वो लल्लू सिंह और संदीप सिंह के जिम्मे में था। आप यही सवाल कांग्रेस के संगठन उत्तर प्रदेश में बार बार पूछ रहे थे जब आप इलेक्शन के कैंपेनिंग में थे, आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब भी आपने देखा कि कांग्रेस के जो वहां पे संगठन थे, पुराने लीडर थे, उन लोगों की कहीं भूमिका नहीं थी। तो अगर उनकी कहीं भूमिका नहीं थी तो वो आज वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस ने जो इतनी सीटें लगभग 300 के आसपास से सीटें बांटी थी वो कौन कांग्रेस के लोग थे जिन्हें मैदान में उतारा गया था, जिन्हें पार्टी का सिंबल दिया गया था, और कांग्रेस आज वोट परसेंटेज में 2.3% पे सिमट के रह गई है। तो इसकी जिम्मेदारी तो प्रियंका गांधी लेगी, न कि वहां के यूपी के प्रदेश का जो कांग्रेस संगठन है उसको लेना चाहिए। रीमा विनोद, जो आपने बात कही बहुत अहम ये बात है, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी फेल साबित होते हैं कांग्रेस की तरफ से, जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां पर कोई करिश्मा पैदा नहीं हो पा रहा, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को भी फेल साबित कर दिया है वहां की जनता ने, विकल्प फिर बचा क्या है? सोनिया गांधी तो अब एक तरीके से उस मोड में आ गई हैं कि उन्होंने इन लोगों के हाथ में कमान लगभग सौंप दी है, तो अब ऐसा कौन सा चेहरा दिख रहा है आपको कांग्रेस में और संगठन में जिसको ला करके आगे अब कोई करिश्मा कांग्रेस के नेता दिखा पाएंगे? रीमा देखिए, ये सवाल से जो है कांग्रेस के सारे लीडर दो चार हो रहे हैं और इसलिए पार्टी के तरफ से एक ये चीज़ें बात बन रही है कि उसने CWC के में इलेक्शन का अनाउंसमेंट लगभग हो गया है, उसमें एक डेट दिया गया था कि सितंबर तक, आने वाले सितंबर महीने तक में कांग्रेस नेतृत्व अपना एक अस्थायी अध्यक्ष को चुन लेगा और इसके बाद जो PCC है उसके चुनाव के लिए लगभग हर स्टेट में वहाँ ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से, संगठन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से संगठन का चुनाव होना है वो प्रक्रिया जो विधिवत रूप है कांग्रेस का चल रहा है, लेकिन G23 का यह मानना है कि शायद यह बेमानी होगी और यह टाइम पास हो रहा है संगठन की तरफ से, क्योंकि पार्टी के कोई विकल्प नहीं बन रहा है। पार्टी का विकल्प मतलब नेहरू गांधी परिवार के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है कांग्रेस के सामने में, इसलिए इसको एक टाइम बाइंग का एक फार्मूला जो है कांग्रेस के अंदर से बार बार सामने में दिख रही है। रीमा बिल्कुल विनोद, और फिर ऐसा लगता है कि जब चुनने की बारी आती है तो वो तस्वीरें आ जाती हैं जब कांग्रेस के ही कई और नेताओं की तरफ से इमोशनल कार्ड खेला जाता है और वो सीधे सीधे चिट्ठी लिखनी शुरू कर देते हैं कि राहुल गांधी को ही वो अध्यक्ष चुनना चाहते हैं, और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, मैं अभी इस पद के लिए तैयार नहीं हूं, किसी और का नाम दिया जाए, और उसके बाद फिर कांग्रेस वहां आके खड़ी हो जाती है। इस वक्त अगर मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि देखिए सिर्फ अब दो राज्यों में सरकार रह गई है और अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पार्टी का जो एक दर्जा है ऐसा लग रहा है कि वो भी कभी भी छिन सकता है कांग्रेस से, जो हालत पे वो पहुंच चुकी है, इतने बड़े बड़े राज्यों में पूरा पोलिंग परसेंटेज जो है वो उनके खिलाफ जाता है और सब कुछ उनके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, कोई मुद्दा नहीं दिख रहा, नेता नहीं दिख रहा है, कहां पर आपको लगता है कि कांग्रेस का भविष्य टिका हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरे दौर से कांग्रेस इस वक्त जूझती हुई दिखाई दे रही है। देखिए रीमा, एक बात तो आपको गौर करनी पड़ेगी कि जो G23 ने मुद्दा उठाया है और G23 लीडर के साथ में जो गाहे बगाहे बातें हो रही है और लोगों के सामने में, हम लोगों के सामने में भी बातें आ रही है, वो सीधे सीधी बात ये है कि आप कांग्रेस में इतना इनफाइटिंग है, इतना घनघोर उसमें कांग्रेस के अंदर ही ये मुकाबला चल रहा है नेताओं के बीच में, जो आम आप वोटर्स को कहीं तरह से उसके लिए दोषी ठहरा ही नहीं सकते। आप पंजाब की हालत देखिए, पूरे पंजाब के इलेक्शन में आपने देखा पिछले 6 महीने से जिस तरह से सिद्धू और जिस तरह से चन्नी के बीच में लड़ाई होती रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे एक कद्दावर लीडर को आपने साइडलाइन किया, किस तरह से उसमें हरीश रावत एक जब इंचार्ज थे वहाँ पंजाब के इंचार्ज थे, उन्होंने किस तरह से कैप्टन के खिलाफ में जो वहाँ के विधायक थे उनको एक तरह से मोर्चाबंदी की और एक तरह से उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि कूप ही कर दिया।
आपने कैप्टन को हटा के आपने क्या हासिल कर लिया। दूसरा, अगर यही बात आप देखें कि पंजाब में जिस तरह से कैप्टन सॉरी सिद्धू और चन्नी बराबर लड़ते रहे, कांग्रेस ने इस बात की अनदेखी की कि भाई इनका अपना लीडरशिप में जनाधार क्या है। आज सिद्धू भी हार गए हैं, चन्नी साहब भी दोनों सीटों से हार गए हैं। तो ये बात सामने में G23 के सामने में एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जब आप जानते हैं कि इन लीडर को कोई भी पब्लिक सपोर्ट नहीं है, इन लोग कोई बड़ा पॉपुलर लीडर नहीं है, तो आप फिर आपके एक परिवार जो है उन पर भरोसा करता है और परिवार के ही कारण ही वो बड़े लीडर बन के यूपी हो, मणिपुर हो, गोवा हो, वो लीडर सामने में आते हैं जिसके संगठन से उनका कोई संपर्क नहीं होता है, संगठन के साथ में कोई वो सिंक नहीं कर पाते हैं। रीमा, बिल्कुल, और यही बात लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त दुखती रग भी बन गई है कि संगठन पर जोर रहा नहीं है, कार्यकर्ता जो हैं वो बेचारे अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं, और लीडरशिप का जो अभाव है, क्योंकि जो भी बातें सामने आती हैं कि हार के बाद भी आत्मचिंतन की बजाय कांग्रेस के नेता नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं कांग्रेस उहापोह के जो दौर से गुजर रही है उससे निकलने के लिए अब क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी बना पाएगी, वही सबसे अहम बात है देखने के लिए। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा। थैंक यू। और फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर चर्चा करेंगे।